कि लालू यादव जिंदाबाद किसी को चिढ़ाने के लिए कैसे हो सकता है। लालू यादव जिंदाबाद कहने वाले हिंदुस्तान में ही नहीं है, हम विदेश में रह के पढ़ाई किए हैं। पप्पू यादव के सामने लालू यादव जिंदाबाद करने का मतलब चिढ़ाने का नहीं, आपको नहीं। कोई नींव रखा गया था कि हमको पप्पू यादव के सामने लालू यादव जिंदाबाद? लालू यादव पर अगर हमला होगा, ये मैं मानता हूँ ये सामाजिक न्याय पर हमला है, और सामाजिक न्याय पर अगर कोई हमला करेगा तो मैं उसको लालू यादव जिंदाबाद के रूप में फिर से उनसे जवाब देने का, माकूल जवाब देने का प्रयास करूंगा। पप्पू यादव जिंदाबाद हो सकता है कि नहीं? नहीं, पप्पू यादव जिंदाबाद कभी हो सकता नहीं हो सकता, ये मैं कैसे बता सकता? आप करेंगे कि नहीं? नहीं, पप्पू यादव को नेता कौन बनाया? लालू यादव बनाए, तो लालू यादव जिंदाबाद है तो पप्पू यादव को भी करना चाहिए, लेकिन वो किया नहीं, गुस्सा से तमतमा गए, मैच छोड़ के भाग गए। हम भी लालू यादव जिंदाबाद करते हैं, जिंदाबाद थे, जिंदाबाद रहेंगे। अगर कोई आपकी जवान को दबाने का काम करेगा तो लालू यादव जिंदाबाद का नारा ये प्रतिकार का नारा है कि मैं जवाने नहीं दूंगा, ये विचारधारा की नारा है, ये चिढ़ाने का नारा हो ही नहीं सकता। तुम चुप रहो, तुम चुप रहो, तो अगर चुप रहेगा तो लालू यादव इनकलाब का एक नारा है। मैंने उन्हें जोरदार आवाज में कहा कि आदरणीय पप्पू यादव जी, आप किसे गुमराह कर रहे हैं? और लालू जी का नाम लिए बिना बोले, जो व्यक्ति बिहार में लंबे समय तक मुख्यमंत्री रहे, वो केंद्र में कांग्रेस सरकार में पावरफुल मिनिस्टर थे, लेकिन इन लोगों ने कभी प्रयास नहीं किया। मधेपुरा में एक यादव महासभा होता है, और यादव महासभा में एक तरह से की जाए तो ये राजनीतिक नहीं सामाजिक महासभा हो रहा था, समाज को कैसे आगे बढ़ाया जाए इन्हीं सब मसलों पर चर्चा था। पर जब पप्पू यादव जो कि जाप के सुप्रीमो है, वो जब मंच पर भाषण देते रहते हैं तो उनके सामने एक युवा आता है और कहता है लालू यादव जिंदाबाद, लालू यादव जिंदाबाद, और मंच छोड़ करके पप्पू यादव गुस्सा से मंच छोड़ के चले जाते हैं। हमारे साथ में विकास बिमल जी हैं, इन्होंने ही लालू यादव जिंदाबाद का नारा लगाया था पप्पू यादव के सामने, हालांकि वो चिढ़ाने के लिए था या फिर कुछ और था, इन सब मसलों पर बात करेंगे। जो आपने पप्पू यादव के सामने नारा लगाया था लालू यादव जिंदाबाद, ये चिढ़ाने वाला नारा कहाँ से तैयार हुआ था, इसका रोड मैप कहाँ से रखा गया था, कहाँ से नींव रखा गया था? सबसे पहले आपका धन्यवाद। चिढ़ाने के लिए लालू यादव जिंदाबाद किसी को चिढ़ाने के लिए कैसे हो सकता है? लालू यादव जिंदाबाद कहने वाले हिंदुस्तान में ही नहीं है, हम विदेश में रह के पढ़ाई किए हैं। वहाँ भी जब हम रसिया में लालू यादव जी का जन्मदिन मनाते थे तो रशियन लोग भी आके उनके सम्मान में खड़े हो जाते थे। चिढ़ाने वाला तो नारा नहीं है, लालू यादव कोई व्यक्ति है जी, विचारधारा हो गए हैं। कहीं कहीं पप्पू यादव के सामने किसी इस तरह से राजनीतिक रूप से विरोधी रहे पप्पू यादव लालू यादव के अभी तक जो पार्टी छोड़ने के बाद, तो पप्पू यादव के सामने लालू यादव जिंदाबाद करने का मतलब चिढ़ाने का? आपको कोई नींव रखा गया था कि हमको पप्पू यादव के सामने लालू यादव जिंदाबाद? ऐसा कुछ भी नहीं था। जब वो आदरणीय लालू प्रसाद यादव, आदरणीय मुलायम सिंह यादव, आदरणीय शरद यादव के बारे में गलत बयानी करने लगे, तथ्य एकदम जो भी तथ्य था ही नहीं। क्या बयान करने लगे थे? वो कह रहे थे अहिर रेजिमेंट का मांग जो आज यादव महासभा में हो रहा है ये तो पहले हो जाना चाहिए था। आदरणीय मुलायम सिंह यादव रक्षा मंत्री थे, शरद यादव जी यहाँ से सांसद रहे, केंद्र में मंत्री रहे, और लालू जी का नाम लिए बिना बोले, जो व्यक्ति बिहार में लंबे समय तक मुख्यमंत्री रहे, वो केंद्र में कांग्रेस सरकार में पावरफुल मिनिस्टर थे, लेकिन इन लोगों ने कभी प्रयास नहीं किया। तो मुझे मैं नीचे खड़ा था एकदम। मैंने उन्हें जोरदार आवाज में कहा कि आदरणीय पप्पू यादव जी, आप किसे गुमराह कर रहे हैं? आप जब रक्षा मंत्री थे मुलायम सिंह यादव जी, आप संसद में थे ना, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थे ना दूसरी टर्म, आपने कभी कोई प्रयास किया क्या? आप 5 बार के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रहे हैं, आपकी पत्नी आदरणीय श्रीमती रंजीता रंजन जी 5 तीसरी टर्म की मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, आपने कभी प्रयास ऑन रिकॉर्ड ऑफ रिकॉर्ड कोई प्रयास किया क्या? बस इसी पे बोले कि तुम चुप रहो, तुम चुप रहो, तो अगर चुप रहेगा तो लालू यादव इनकलाब का एक नारा है, अगर कहीं कोई दबाए लालू जी के बारे में तो कहा जाता है ना कि ये दबे कुचलों का जवान है, अगर कोई आपकी जवान को दबाने का काम करेगा तो लालू यादव जिंदाबाद का नारा ये प्रतिकार का नारा है कि मैं तुम्हें जवाने नहीं दूंगा, ये विचारधारा की नारा है, ये चिढ़ाने का नारा हो ही नहीं सकता। अच्छा, पप्पू यादव ने एक आरोप लगाया है कि वो लड़का मुझसे 10,000 रुपया लेके गया और वो मेरे सामने लालू यादव जिंदाबाद, आपने 10,000 रुपया उनसे लिया था कि नहीं? नहीं, पप्पू यादव जी का स्मरण हो सकता है कमजोर हो, उन्होंने अगर 10,000 रुपया दिया तो सबूत के साथ दिखाए। मैं 10,000 रुपया क्यों लूँगा? मेरे घर में सब कुछ मेरे, मैं मानता हूँ मैं बहुत पैसे वाला नहीं हूँ, लेकिन मेरा घर परिवार बिल्कुल संपन्न परिवार है, आप आके पता कर लीजिए। मैं 10,000 रुपया मांगने के लिए किसी के पास नहीं जाने वाला हूँ, अगर ज़रूरत पड़े किसी को समाज में तो मैं 10,000 मदद करने को तैयार रहता हूँ, हमेशा तैयार रहता हूँ। अच्छा, सिर्फ लालू यादव जिंदाबाद ही क्यों, पप्पू यादव जिंदाबाद क्यों नहीं? पप्पू यादव तो आज कहे जाते हैं गरीबों का मसीहा है वो अभी। लालू यादव विचारधारा है, पप्पू यादव ने यादवों के लिए क्या किए हैं? लालू यादव ने यादवों के लिए क्या किए? पप्पू यादव दलितों के लिए क्या किए हैं? अल्पसंख्यकों के लिए क्या किए हैं?
वो तो ओवरऑल एक सांसद ही रहे ना, यादव पे ही रहेंगे। लालू यादव यादवों के लिए क्या किए? नहीं नहीं, मैं बता रहा हूँ, यादव अगर आज कहीं मुंह में आवाज है, पप्पू यादव निजी नेता कैसे बने? कौन नेता बनाया उनको? लालू यादव जब मुख्यमंत्री बने तब तो पहली बार विधायक बने थे। लालू यादव उससे कई साल पहले सांसद में रहे, विपक्ष के नेता रहे। कौन बनाए पप्पू यादव को नेता? कौन बनाया? लालू यादव बनाए। तो लालू यादव जिंदाबाद है तो पप्पू यादव को भी करना चाहिए, लेकिन वो किए नहीं, गुस्सा से तमतमा गए, मैच छोड़ के भाग गए। हम भी लालू यादव जिंदाबाद करते हैं, जिंदाबाद थे, जिंदाबाद रहेंगे। वीडियो है उनके फेसबुक प्रोफाइल पे, देखिए कहाँ बोले हैं। अब उनको रियलाइज हो रहा है कि हम वहाँ से माइक छोड़ के कैसे भाग गए, क्या हुआ नहीं, वो तो अब सफाई दे रहे हैं। लालू यादव जिंदाबाद उन्होंने नहीं बोला, अगर ऐसा बोला होता, वहाँ सारे लोग थे, गवाह हैं, उनका वीडियो गवाह है। दिखाइए कहाँ बोले हैं। अच्छा, लालू यादव जिंदाबाद ही आप बोलेंगे, पप्पू यादव जिंदाबाद बोल सकते हैं? नहीं नहीं, जब लालू यादव जिंदाबाद एक नारा है। यादव का आइकॉन पप्पू यादव क्यों नहीं बन सकते? नहीं नहीं, जो समाज के लिए करेगा वही तो आइकॉन होगा। हम पप्पू यादव ग्राउंड पर रहता है, धरातल पर रहता है, आइकॉन बन जाते हैं। आइकॉन बन जाता है, आप क्यों नहीं आइकॉन बन जाते? ये क्यों नहीं आइकॉन बन जाते हैं? आइकॉन वही होगा ना जो समाज के लिए काम करेगा। 90 के दशक से बिहार में जो बहुजन समाज का जो उद्धार हुआ है वो किसकी देन है? जननायक कर्पूरी ठाकुर के बाद बिहार में जो लालू जी का शासन आया, उसके बाद जो एक तरफ से बहुजनों का आवाज़ बुलंद करवाना शुरू किए, नौकरी देना शुरू किए, पढ़ना लिखना सिखाए, नौकरी देना शुरू किए, यही तो बहुजन का उधार हुआ है। तो लालू यादव ही जिंदाबाद होगा, और कौन जिंदाबाद होगा? पप्पू यादव जिंदाबाद हो सकता है कि नहीं? नहीं नहीं, पप्पू यादव जिंदाबाद हो कभी हो सकता नहीं हो सकता, ये मैं कैसे बता सकता? आप करेंगे कि नहीं? नहीं, मैं क्यों करूँगा, मैं क्यों करूंगा? वो अलग पार्टी में, हम अलग पार्टी में, मैं राष्ट्रीय जनता दल का सक्रिय सदस्य हूँ, मैं क्यों जिंदाबाद करूंगा? अब कोई पूछे मुझे नरेंद्र मोदी जी, मैं क्यों करूंगा? ये भी वो अलग पार्टी के हैं, मैं अलग पार्टी में हूँ। मैं लालू यादव पर अगर हमला होगा, ये मैं मानता हूँ ये सामाजिक न्याय पर हमला है, और सामाजिक न्याय पर अगर कोई हमला करेगा तो मैं उसको लालू यादव जिंदाबाद के रूप में फिर से उनसे जवाब देने का, माकूल जवाब देने का प्रयास करूंगा और करते रहूंगा। ये हिम्मत कहाँ से लाए लालू पप्पू यादव के सामने लालू यादव जिंदाबाद करने का? ये हिम्मत की बात नहीं है, ये लालू यादव का जो, अगर आप लालू जी के बारे में जानेंगे, पढ़ेंगे, लिखेंगे तो आपको पता चलेगा कि लालू यादव ने किन कठिन परिस्थितियों में सामाजिक न्याय को लाने का, लागू करने का काम किया। अगर आप उन्हें पढ़ लेंगे तो आप में भी हिम्मत आ जाएगी, ये लालू यादव का हिम्मत है। चलिए, तो लालू यादव जिंदाबाद करने का हिम्मत जो पप्पू यादव के सामने किए थे, विकास बिमल जी हमारे साथ में थे, और इन्होंने लालू यादव क्यों जिंदाबाद किया, किन परिस्थिति में जिंदाबाद किया, इन्होंने अपनी राय रखी। बहरहाल आपको हमारा ये बातचीत के सलाह प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर दें। बने रहे जोहारिंद के साथ। जय भीम, जय भारत।